गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बैकग्राउंड साउंड को रिकॉर्ड करेगा एंड मैंने सोचा कि मैं वीडियो जो है बाहर शूट करूँ, थोड़ा बाहर का व्यू भी आएगा। पर बाहर जो है साउंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उन साउंड को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। मैंने अपने कोरोना की जो है दोनों की दोनों डोज ले ली है, बट मैं आप लोगों के साथ चाहती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। शायद मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को हेल्प मिल जाए। अगर कुछ भी हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और नहीं तो आप ये वीडियो को जो है एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी जैसे कि मैं 18 प्लस कैटेगरी में आती हूँ, और गवर्नमेंट ने जो है 18 प्लस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था अप्रैल एंड में। 28 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो कोविन ऐप में। तो मैंने इमिडिएटली 28 अप्रैल को अपने आप को रजिस्टर कर लिया था। फिर हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने ट्राई किया कोविन ऐप पे। जैसे ही दिल्ली में वैक्सीन आई, दिल्ली में थर्ड या सेकेंड मे के आसपास आपका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था 18 प्लस के लिए। आपके स्लॉट्स ओपन हो गए थे, जिन लोगों ने भी रजिस्टर किया था दे कैन टेक दी स्लॉट्स। तो हम लोगों ने भी स्लॉट्स के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले जैसे ही हमने ट्राई किया था सेकेंड को और हमें फोर्थ को जो है एक अपॉइंटमेंट मिल गया था स्कूल में, और हमें मिला था कोविशील्ड के लिए। हमें जो भी हमारी ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं थी कि हमें कोविशील्ड लगवानी है, कोवैक्सीन लगानी है। हमें था कि जो भी हमें मिल जाएगी इस टाइम पे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो हम लोगों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड नहीं देखा, हमने बस ये देखा कि हमें स्लॉट मिल जाए और हम अपने आप को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करा सके। तो हमें कोविशील्ड का अपॉइंटमेंट मिला, और वो अपॉइंटमेंट मिला स्कूल। हमारी प्रेफरेंस थी कि हम स्कूल में जाके लगाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में अभी जाकर के वैक्सीनेट कराना अपने आप को रिस्की होगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। सो हमने सोचा कि स्कूल या कहीं और जगह पे जहाँ पे भी वैक्सीनेशन कैंप लगा होगा हम वहाँ पे जाके कराएंगे। तो हमें स्कूल का मिल गया। तो मैंने उस दिन, जिस दिन हमें मिला था, उस दिन हम लोगों ने, उसमें टाइम स्लॉट का आपका चूज़ करने का ऑप्शन होता है कि आप कितने बजे का भी कर सकते हो। तो हमने 3 to 5 का जो स्लॉट था उसको चूज़ किया था। सो उसके बाद मैंने सुबह मॉर्निंग में अपने हस्बैंड को बोला कि एक बार आप जाकर के देखो वैक्सीनेशन का, आज फर्स्ट डे है, वैक्सीन आई भी है कि नहीं आई है, क्या सिचुएशन है, भीड़ कितनी है, उसी तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने बजे जाना है। जैसे आप 3 to 5 का स्लॉट आप सिलेक्ट करते हो तो दैट इज़ योर प्रेफर्ड स्लॉट, बट आप जा कभी भी सकते हो ड्यूरिंग द डे। सो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, वो वहाँ पर गए, उन्होंने चेक किया, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी स्कूल में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब ही वॉज लाइक कि ऑलमोस्ट 500-600 लोग वहाँ पर होंगे, एंड देर वॉज नो बडी वॉज फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल। तो हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड वापस आए, उन्होंने बोला कि उषा वहाँ पे तो अभी वैक्सीन आई नहीं है। वो बोल रहे हैं, गार्ड वगैरह वहाँ पे बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद वैक्सीन आएगी। और तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, फिर हमने स्लॉट डिसाइड किया था 3 to 5, हम उसी के बीच में जाएंगे, तब तक शायद भीड़ कम हो जाए। और वैसे भी फर्स्ट डे वैक्सीन है तो 18 प्लस कैटेगरी के लिए, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा हो सकती है। तो फिर हम लोग इवनिंग में रेडी होकर, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप पहले जाकर के चेक करके आओ कि वैक्सीनेशन का क्या है, सुबह वाली सिचुएशन है तो हम ऐसी रिस्की सिचुएशन में वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम विल टेक दिस स्लॉट सम अदर डे। तो जब मेरे हस्बैंड चेक करके, उन्होंने बोला कि हाँ उषा वैक्सीन लग रही है, तो चलो तुम आ जाओ। तो मैं फटाफट मतलब रेडी हुई और मैं गई। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे ऑलमोस्ट 4:30। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमें बोला गया कि यहाँ पे तो आपका स्कूल ही नहीं है ये, और बल्कि सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड चेक करके गए, गार्ड से चेक करके गए कि हाँ इसी स्कूल में लग रही है। उन्होंने बोला कि नहीं, स्कूल में तो आपके वाला है ही नहीं, ये तो कोई और स्कूल है जिसका आपको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट भी करी वहाँ पे, बट उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं। फिर फाइनली हम 5 मिनट में 10 मिनट में हमने सर्च किया कि और कोई भी स्कूल इस नाम से है, तो वहाँ पे एक और स्कूल था जो कि 3-4 किलोमीटर की दूरी पे था। हमने जनकपुरी के ही स्लॉट्स लिए थे हमारे घर के पास। तो हम लोग वहाँ गए, तो हमें पहुँचते वहाँ पे 5:05 हो चुके थे। जब तक हम वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने हमें बोला कि नहीं, अब तो आज का वैक्सीनेशन क्लोज़ हो चुका है, मैं आप दो लोगों के लिए अपनी बाइल ओपन नहीं करूँगा। तो हमने पूछा कि हमें कल क्या इसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे वैक्सीन लग जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको इसी के बेसिस पे जो है वैक्सीनेशन हो जाएगा आपका। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे फिर गए आफ्टरनून में 1-2 बजे के करीब में, क्योंकि हमें पता चल गया था कि भीड़ जो है मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, आफ्टरनून में कम होती है। तो हम 1-2 बजे के करीब जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि मतलब जब हम पहुँचे तो उन्होंने बोला कि
हम आपको वैक्सीन नहीं लगा सकते पुराने डे के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट जो है बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, तो आपको हम वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे, आपको फ्रेश अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो हमारे 2 दिन इस तरीके से वेस्ट हो गए, हमें कोई वैक्सीन नहीं लगी। तो फिर हम घर आए, नहाया धोया जैसे कि हम यूजुअली करते हैं हमेशा कोरोना सिचुएशन में, कि घर से बाहर जाते कपड़े चेंज करना, धोना कपड़ों को और अपने आप नहाना धोना, वो हमने किया। फिर मैंने आते ही अपॉइंटमेंट ढूंढना शुरू किया नेक्स्ट डे के लिए। तो जैसे ही मैंने अपॉइंटमेंट ढूंढा, मैंने ऐसा किया, मैंने एक नंबर अपने मोबाइल से रजिस्टर कर लिए थे मेरे और मेरे हस्बैंड का, मैंने अपने हस्बैंड के उससे रजिस्टर कर लिया था अपने को और मेरे हस्बैंड को। तो मैंने कहा मैं जिससे जल्दी मिल जाएगा मैं उससे बुक कर लूँगी। तो फिर फाइनली मुझे नेक्स्ट डे का जो है 6 मई का अपॉइंटमेंट मिल गया, वो कोवैक्सीन का था। हमारे ऐसी कोई प्रेफरेंस थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई प्रेफरेंस नहीं थी, तो हमें कोवैक्सीन का मिल गया। तो वो रजौरी गार्डन में था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें बिना किसी प्रॉब्लम के जो है वैक्सीन लग गई, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लग गई। वी वर वेरी हैप्पी, चलो फाइनली हमें थर्ड डे के स्ट्रगल के बाद जो है हमें वैक्सीन लग गई। फिर जब हम लोग रात को, तो हमें कुछ मतलब ऐसा कुछ फीवर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। हम मम्मी ने, बल्कि मेरी मदर ने मुझे बोला था कि तुम पैरासीटामोल ले लेना, क्योंकि फीवर वगैरह आती, क्योंकि मेरी मदर के दोनों डोज लग चुके हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था तुम पैरासीटामोल ले लेना और सेफासाइड, बट मैंने नहीं ली। मैंने कहा क्या पता कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता। तो जब मैं अगले दिन उठी तो मेरे को बॉडी में पेन होना शुरू हो चुका था। एक तो मेरे जहाँ पे इंजेक्शन लगा था उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने फिर, मैं उठी तो मेरे पैरों में दर्द, मेरी बॉडी एक इतना ज़्यादा हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मेरे लेफ़्ट ईयर में भी पेन होना जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था। और मैंने जब टेम्परेचर करके देखा तो मेरा 100.3 फीवर भी था मुझे। तो फिर मैंने जो है मेडिसिन लेनी शुरू करी, पैरासीटामोल, क्योंकि वही पैरासीटामोल ही प्रिस्क्राइब किया। मेरे को लगा कि जो कान का दर्द है ये भी उसके साइड इफेक्ट ही हो सकता है मे बी वैक्सीन का, क्योंकि उससे पहले तो मुझे कोई दर्द नहीं था। फिर उसके बाद मैंने ऐसी दवाई लेनी शुरू की, तो मैं 2-3 दिन तक दवाई लेती रही, क्योंकि मुझे मतलब फर्स्ट डे 100.3 था, बट उसके बाद मुझे टेम्परेचर होता रहा फिर भी 99.4, 99.3। तो मैंने हर 6 घंटे बाद जो है पैरासीटामोल लेना शुरू कर दिया, मेरे कान का दर्द जो है कंटिन्यूस रहा। जब 3 दिन तक मेरा फीवर नहीं उतरा तो मुझे डर लग गया कि मैं वहाँ पे वैक्सीन लगाने गई थी तो कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि 3 दिन, इतने दिन तो किसी को फीवर नहीं रहता और कान का दर्द भी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं अपने जो घर के पास जनरल फिजिशियन होता है उसके पास जाकर के गई, तो उन्होंने बोला कि 7 डेज़ तक हो सकता है आपको फीवर, अगर 7 डेज़ के बाद भी आपका फीवर नहीं उतरेगा तब हम जो है फिर आपका टेस्ट करके देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा मेरे कान में भी दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कान के दर्द की दवाई दे दी, अल्ट्रासाउंड उन्होंने मुझे दे दी। तो फिर मैं घर आ गई, फिर मेरा बुखार फिर भी मुझे रहा और 5 डेज़ तक मुझे फीवर रहा, 5 डेज़ के बाद मुझे फीवर नहीं हुआ। पर मेरे कान का दर्द जो है कंटिन्यूस ही रहा, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरे कान में दर्द क्यों हो रहा है, कान में दर्द क्यों हो रहा है। फिर मैंने ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन भी किया बहुत सारे फिजिशियन से, एक तो अपने फीवर को लेके, क्योंकि 5 डेज़ हो गए फीवर चले जा रहा, तो मुझे बहुत टेंशन होती है, ऊपर से कान को लेके। तो बाय गॉड ग्रेस फीवर तो ठीक हो गया, बट मेरे कान का दर्द ठीक नहीं हुआ था। फिर मुझे, जैसे मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रही थी, डॉक्टर ने से मुझे बोला कि आप फिजिकली किसी ENT को दिखाइए, क्योंकि शायद आपके कान में कुछ ज़्यादा दिक्कत है, ये वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट नहीं है, कि कोई भी आप कोरोना वैक्सीन ले लीजिए उससे आपके कानों में कोई लेना देना नहीं है उससे। सो मैंने जाके फिर किसी ENT को दिखाया और मुझे पता चला कि मेरे ईयर में जो है इन्फेक्शन हो रखा है और मेरी हालत ख़राब है। डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा आपके ईयर में इन्फेक्शन है, और मतलब अब मुझे फर्स्ट डोज जो है मैंने अपनी 6 मई को ली थी और आज ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, और मेरे कान में जो है अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, बट उसका वैक्सीन से लेना देना नहीं है। मैंने ENT डॉक्टर से भी पूछा, उसने बोला वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कानों का, ये आपका ये इन्फेक्शन था, ये बाय चांस की बात है कि वो तभी स्टार्ट हुआ जब आपको वैक्सीन लगी, अदरवाइज ये होता। और ये जो आपका इन्फेक्शन हुआ है कानों में, ये पानी की वजह से हुआ है, क्योंकि जब आप हेड वॉश करते हैं तो कुछ ना कुछ पानी ड्रॉप्स जो है कान में चली जाती है, और आपके कान में हल्के फुल्के फ्लेक्स तो रहती हैं, और जैसे वो मॉइस्चर उनको मिलता है तो फंगस में क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है आपके कान में, सो डोंट वरी, थोड़ा टाइम इसको ठीक होने में ज़्यादा लगेगा, बट यू विल बी फाइन। तो उन्होंने मुझे, अभी तक भी मेरी मेडिसिन चल रही है, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड मेरे को उन्होंने वो सिकाई करने के लिए भी बोला है कान में, सो आई होप कि चीज़ें जो हैं जल्दी ठीक हो जाएं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरी दोनों डोज लग चुकी हैं कोवैक्सीन की,
क्योंकि कोवैक्सीन में जो है डोज का जो टाइम पीरियड है वो 4 to 6 week का गैप है. सो मेरी इसलिए दोनों लग चुकी हैं. बट मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें कि मैं अपना सेकेंड वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, क्योंकि वो भी एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस था. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे कॉमेंट करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.